सूरजपुर पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने अवैध नशे के कारोबार पर पूर्णतः अंकुश लगाने के निर्देश थाना चौकी प्रभारियों को दिए थे, जिसमें थाना चौकी की पुलिस के द्वारा अवैध धंधे पर लगातार कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में रविवार को कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को पकड़ा है, जिसके कब्जे से 850 पाव अंग्रेजी शराब एवं परिवहन में प्रयुक्त कार जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया है। मामले में गोवा अंग्रेजी शराब कीमत 62,900 रुपए एवं परिवहन में प्रयुक्त होंडा अमेज कार कीमत 4,00,000 रुपए का जब्त कर धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी सूरजपुर प्रकाश राठौर, एसआई संतोष सिंह, एएसआई हीरालाल साहू, रघुवंश सिंह, प्रधान आरक्षक मोहम्मद तालिब शेख, आरक्षक लक्ष्मी नारायण मिर्रे, राम कुमार नायक, सत्यम सिंह, राधेश्याम साहू व प्रदीप साहू सक्रिय रहे। महोदय के द्वारा जिले में नशे के अवैध कारोबार पर पूर्णतः अंकुश लगाने के थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं और इसी कड़ी में सभी थाना चौकी प्रभारी द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में सूरजपुर पुलिस थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि एक दो व्यक्ति जो है अंतर्राज्यीय तस्कर कुछ भारी मात्रा में शराब को लेकर के इधर आ रहे हैं। परसापारा के पास नाकाबंदी पॉइंट में एक होंडा अमेज कार आती दिखी, जिसको रोकने पर उसमें से रमाकांत उर्फ राहुल तिवारी और अंकित शर्मा, उनसे पूछताछ किया गया और गाड़ी की तलाशी ली गई, जिनके गाड़ी में से लगभग 850 पाव अंग्रेजी शराब मिला, जिस पर उनको मौके से ही जब्त किया गया और उनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सूरजपुर से विष्णु कसेरा की रिपोर्ट।